गुरु रंधावा का जन्म 30 अगस्त 1991 को गुरु शरणजोत सिंह रंधावा के रूप में हुआ था। गुरुदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक तहसील के नूरपुर में उन्होंने गुरदासपुर में छोटे शो करके शुरुआत की और फिर दिल्ली में छोटी पार्टियों और समारोह में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। दिल्ली में रहते हुए रंधावा ने MBA पूरा किया। रैपर बोहेमिया द्वारा उन्हें गुरु नाम दिया गया था, जो मंच पर अपना पूरा नाम छोटा कर देते थे। पंजाबी, भांगड़ा, इंडी पॉप और बॉलीवुड संगीत से जुड़े एक भारतीय गायक, गीतकार और संगीतकार हैं। उन्हें लाहौर, इशारे तेरे, स्लोली स्लोली और तेरे ते जैसे गानों के लिए जाना जाता है। गुरु रंधावा का पहला एकल अर्जुन के सहयोग में सेम गर्ल था। रंधावा ने दिसंबर 2012 में अर्जुन के साथ सेम गर्ल नामक एक गीत के साथ अपनी संगीत यात्रा की शुरुआत की, जो रंधावा को अपने वीडियो में लेने वाले पहले व्यक्ति थे। हालांकि दोनों कलाकारों के लिए ये गाना इतना सफल नहीं रहा। 2013 की शुरुआत में रंधावा ने स्पीड रिकॉर्ड्स के लेबल के साथ यूट्यूब पर अपना पहला सिंगल छट गई जारी किया। उनके बड़े भाई रमनीक ने इस गाने को रिलीज करने के लिए उनकी फाइनेंशियल मदद की। बाद में 2013 में उन्होंने अपनी पहली एल्बम पेज वन रिलीज किया और एल्बम की तीनों गाने रिलीज किए, दर्दनू, आई लाइक यू और साउथ उल संबंधित गीत थे। रंधावा ने कई गाने लॉन्च किए, लेकिन उनमें से कोई भी गुरु को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ। 2014 भी उनके लिए कुछ खास नहीं रहा। उन्होंने पेज वन एल्बम के बाकी गाने रिलीज किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। गाने थे खाली बॉटल, माई जुगनी, माँ, नाना नाना, प्यार वाले टेस्ट, मॉडर्न ठुमका और बिल्लो ऑन फायर। बोहेमिया, जो रंधावा के शुभ चिंतक थे, टी सीरीज से युवा कलाकार को अपने चैनल पर लॉन्च करने का अनुरोध किया। फिर उन्होंने पटोले गाने के साथ काम किया। इस गाने को पूरे यूट्यूब पर 368 मिलियन से अधिक बार देखा गया। पटोला को सर्वश्रेष्ठ पंजाबी जोड़ी का पुरस्कार भी मिला। इसके अलावा उन्होंने इक्का सिंह के साथ आउटफिट और खत गाने गाए। 2016 में रंधावा ने 4 ब्लॉकबस्टर गाने दिए। उन्होंने मिलिंद गावा के साथ यार मोड़ दो को जनवरी में टी सीरीज के लेबल पर फिर से रिलीज किया। प्रोजेक्ट का मकसद सच्ची दोस्ती दिखाना था और इसने 252 मिलियन से अधिक यूट्यूब पर व्यूज लिए। अप्रैल के महीने में रंधावा ने अपने यूट्यूब चैनल पर तू मेरी रानी गाना डाला। इस गाने में रैपर हाजी स्प्रिंगर भी थे। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक सूट 2016 में रिलीज हुआ। ये गाना रंधावा का अर्जुन के साथ दूसरा सहयोग था। वर्तमान में यूट्यूब पर इसके 478 मिलियन व्यूज हैं। दिसंबर में उन्होंने रजत नागपाल के साथ सहयोग किया और टी सीरीज पर फैशन नाम का गाना रिलीज किया। गाने को वर्तमान में YouTube पर 254 मिलियन से अधिक बार देखा गया है। 2017 में रंधावा ने जनवरी में जूही के लिए तारे चॉकलेट नामक एक इमोशनल ट्रैक जारी किया। ट्रैक ने YouTube पर एवरेज परफॉर्मेंस किया, लेकिन इस गाने के वीडियो को जैन मलिक के गाने इट्स यू की कॉपी होने के लिए काफी ट्रोल किया गया। रंधावा ने भारतीय फिल्म हिंदी मीडियम से बॉलीवुड में गायन की शुरुआत की। उनकी फुट टैपिंग ट्रैक सूट को फिल्म में सूट सूट के रूप में फिर से बनाया गया था। 1.1 बिलियन और 1 बिलियन से अधिक बार देखा गया है। 2018 में लाहौर ने ब्रिटिश एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड्स में ट्रैक ऑफ द ईयर जीता, जहां रंधावा ने बेस्ट मेल एक्ट भी जीता। उनका पहला इंटरनेशनल कॉपरेशन स्लोली स्लोली था, जिसमें पिटबुल था, जो 19 अप्रैल 2019 को रिलीज हुआ था। गीत के संगीत वीडियो को 24 घंटे के भीतर यूट्यूब पर 38 मिलियन बार देखा गया, जो 24 घंटे में दुनिया के सबसे अधिक देखे जाने वाले संगीत वीडियो में से एक बन गया। ईयर 2020 में गुरु के पुराने ट्रैक लाहौर को सचिन जिगर और तुलसी कुमार की सहयोग से फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D में लगदी लाहौर दी के रूप में फिर से बनाया गया था। कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने वी के साथ सतनाम वाहेगुरु नाम से एक सुखदायक ट्रैक जारी किया। उन्हें पिटबुल द्वारा टिटो एल बिम्बोनी के साथ ट्रैक म्यूविलस टोरा के लिए एक संगीत वीडियो में चित्रित किया गया था, जो पिटबुल की एल्बम लिप्ट्रॉन 548 में शामिल है। पिटबुल के साथ ये उनका दूसरा सहयोग था। गुरु रंधावा की लोकप्रियता फिल्म हिंदी मीडियम में उनके बॉलीवुड डेब्यू और 2018 में पॉप बोल लाहौर की रिलीज के बाद काफी बढ़ गई थी। रोलिंग स्टोन इंडिया ने कहा कि यदि आपने उनको चॉट पर याद किया है तो आपने उन्हें रेडियो पर सुना है। 2021 में उन्होंने मेहंदी वाले हाथ से शुरुआत की, जिसे उनके फैंस ने काफी पसंद किया। उसके बाद डूब गए बहुत पॉपुलर हो गया, जो रिलीज के 3 दिनों में 50 मिलियन से अधिक बार देखा गया और 14 जुलाई 2021 को इतिहास में पहली बार भारत का गाना नैन बंगाली 24 घंटों में 17 मिलियन व्यूज और 50 घंटों में 100 मिलियन प्लस व्यूज पार करने वाला पहला गाना है।
गुरु रंधावा का लेटेस्ट सॉन्ग अब गाना ऐसे न छोड़ो यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है। ऐसे ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।